जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। चैलेंज दिया था ना तुमने हमें, कल तो शादी की तारीख तय हो रही है, तुम्हारे पास कुछ चंद घंटे बचे, जो करना चाहते हो कर लो। कभी हमें एक जबरदस्त आइडिया आया है, ये शादी रुक जाए। क्या बेवकूफ बनाया हमने उस दारा कबीर की जोड़ी को, आज तुम्हारा निकाह है, ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कबीर हमारे साथ धोखा हुआ है, आज तारीख रखने की रस्म नहीं है कबीर, लोग बारात लेकर आ रहे हैं लीला की शादी के लिए। ए, कोई चालाकी नहीं चाहिए। वो लोग आ गए और आमिर अभी तक नहीं आया, हक से। आमिर कहाँ हो तुम? ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए सलामत भाईजान, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। ये सबूत हम नहीं मानते, अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है तो बताओ। ये रहा पक्का सबूत, ये रहा पक्का सबूत। धोखेबाज हो जीनत और कशान का करना क्या होगा? बस ये घर छोड़कर जाना होगा हमें, उनके साथ तो एक पल नहीं रह सकते। अब्बू, हमने ये घर सलामत मियां को गिरवी रखा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं और ये घर आपको वापस दे रहे हैं। इनकी चाल है अब्बू, हम जानते हैं इन्हें। तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना, हेलो, हेलो अलीना, इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कौन सी सजा कबूल करना चाहेंगे आप? बंदूक की गोली या फांसी का फंदा? कौन है आप? भाई हम चौकीदार हैं, आपकी नमाज खत्म हो जाए तो हम मस्जिद बंद करके घर चले जाए, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए। नहीं, असल में हम यहाँ रात भर रुकने वाले हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर चले जाइए, फजर की नमाज तक आ जाना। जी। इस बार समीर और सलामत ने काजी साहब की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मैं खुद नहीं पता हम क्या कर बैठेंगे। अल्लाह ताला काजी साहब की मदद फरमा, उनकी हिफाजत करना। आमीन। एतिकाफ अल्लाह की अजीम नेमतों में एक नेमत है, और जो इंसान एतिकाफ में बैठता है ना, वो दुनिया के सारे झंझटों से दूर हो जाता है और सिर्फ अल्लाह से लाव लगाता है। रमजान के आखिरी अशर में जो शख्स एतिकाफ में बैठता है ना, अल्लाह उसकी पूरी बस्ती की हिफाजत करते हैं, पूरी बस्ती की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारा नुकसान होगा। अगर काजी मरेगा तो कबीर शहर काजी बनेगा। तो ये जो शरिया बोर्ड का करोड़ों का फंड, जमीन, स्कूल सब कुछ है ना, हमारे हाथ से चले जाएगा। आपको अगर काजी को मारना ही है ना, तो एक ऐसे आलिम को ढूंढिए जो उसकी जगह ले सके, उसकी कुर्सी पे बैठ सके, उसके मरने के बाद शहर काजी बन सके। मियां, इतनी सी बात से क्यों परेशान हो? अगर काजी मरेगा तो तुम उसकी कुर्सी संभाल लेना। इस सलामत भाई, आप समझ ही नहीं रहे बात को। ऐसे ही कोई भी शहर काजी नहीं बन सकता। शहर काजी बनने के लिए आलिम का होना जरूरी है। कमेटी किसी को भी शहर काजी नहीं बना सकती। इसी वजह से आज तक हमारे अबू शहर काजी नहीं बन सके। सलामत भाई, कबीर के पास डिग्री है, वो शहर काजी बन जाएगा और हमारे यहां से सब कुछ चला जाएगा। आपकी वजह से हमें हमारी मोहब्बत अलीना ना मिल सकी। आज हम थी जमीन में जिंदा दफना कर खुदा से मिलवा देंगे और इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर रही है? काजी साहब, अरे अल्लाह से डरो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, गुड्डन और रावत में छिड़ चुकी है जंग। जहां एक ओर रावत ने लिया है प्राण अक्षत को सूली तक पहुंचाने का, वहीं दूसरी ओर गुड्डन को साबित करनी है अक्षत की बेगुनाही और करनी है रखवाली अपने परिवार की इज्जत की। क्या गुड्डन अब अपने अंदाज में रोक पाएगी इस आ रहे तूफान को? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। किसी वक्त वेदिका जी रिपोर्ट्स बाहर आ सकता है और इसके बाद मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। वेदिका जी, आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है, जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते हैं ना। कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, हम यही करनी है। ए, रोक! जनरली ना हम किसी के आइडियाज को भी इग्नोर नहीं करते हैं, बट ये वाकई वाहियात आइडिया, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना वर्क। क्या वर्क नहीं करे? पूरी फैमिली एक साथ क्या खुसर खुसर कर रही है? इतने सारे ताम झाम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शादी होने वाली है, और आप सब लोग मिलकर शादी रोकने की प्लानिंग कर। What? अब आपको कच्चा सूत लेकर इस वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी, उसके बाद आपकी ये पूजा संपन्न हो जाएगी। हमारी साजिशों के आगे तुम सबका भगवान भारी पड़ेगा ना, पर इस बार ये पासा पलट के रहेगी मोहिनी। परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। अरे पागल हो गई है क्या तू? कल जो तेरे पाप की शुद्धि के लिए हवन कराना था, उसी सामान में डब्बा डाल के दोबारा ही शुद्ध कर दिया उसे। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर छोड़कर जाने का तेरा ये आखिरी फैसला है? घर की शांति के लिए यही बेस्ट है था। मल्हार, ये सब क्या है? तुम्हें हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। तुम फिक्र मत करो बेटा, मल्हार एक पुलिस ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। रिता मेरी जिंदगी से बढ़कर है तुम्हारे लिए। हाँ, है और रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये 24 घंटे में सबके सामने तुम मेरे लिए कंसर्न जताओगे, अपनी चिंता दिखाओगे, और ये मेरा चैलेंज है। अस्मिता जी, आप दादा के कमरे में क्या कर रही थी? आपने तो कहा था कि आप घर जा रही हैं। मैं वहां गया तो वहां कोई भी नहीं था।